लेसन है ये एक स्ट्रमिंग पैटर्न पर है और इसमें आज हम आपको सिखाएंगे फिंगर स्टाइल, एक ऐसी बीट जो कि बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स के लिए यूजफुल है, और इस रिदम का नाम है खेमता। तो ये जो खेमता रिदम है ये 6 काउंट की एक बीट होती है। तो ये जो 6 काउंट है इसको हम 6 स्ट्रोक्स में कवर करेंगे, और कैसे कवर करेंगे स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये मैंने बहुत जल्दी बजाया, अब इसको स्लो करके देखते हैं कैसे करना है। 1 पे हमारा ये हाथ ऐसे आएगा, 1। 2 नंबर पे ये कैरम की तरह फिंगर, फर्स्ट फिंगर यूं स्ट्राइक करनी है, 2 1 2 1 2 3। 3 नंबर पर ये थंब ऊपर की तरफ आएगा, 1 2 3 1 2 3। बहुत इजी है, सबसे पहले 1 नंबर काउंट हिट किया हमने इस पोर्शन को, फर्स्ट फिंगर से सेकंड काउंट लिया कैरम की तरह, इसको नीचे की तरफ मारेंगे डाउन स्ट्रोक, 1 2। थर्ड स्ट्रोक हमें ऊपर खींचना है, रिवर्स लेना है, अप स्ट्रोक है ये, और ये थंब से इस नेल से ऊपर खींचेंगे, 1 2 3 1 2 3। देखिए फिंगर स्टाइल गिटार में इस थंब का बहुत यूज होता है, जितने भी हम डाउन स्ट्रोक लेते हैं वो ऐसे लेते हैं, और जब अप मारते हैं तो हमेशा इस नेल के टिप से इसको लेते हुए ऊपर आते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब 4 काउंट पे क्या करना है, इस थंब को ऐसे मारना है हमें, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए फिर से देखिएगा, 1 2 3 4। हम ऐसे भी मार सकते हैं, हम स्लैप भी मार सकते हैं, हम सिर्फ थंब भी मार सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 5 काउंट पे हमें ये फिंगर ऊपर की तरफ खींचनी है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये फर्स्ट फिंगर से ये वायर ऊपर की तरफ खींचेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और 6 काउंट हमें इस हैंड से लेना है, जो भी हम कॉर्ड पकड़े होंगे, जैसे मान लीजिए हमने अगर ए माइनर पकड़ा है तो इस फिंगर को ऐसे हिट करेंगे, ऐसे हिट करेंगे, और एक साउंड देगा ये हमें, जैसे ए माइनर हमने इसको पकड़ रखा है, देखिए ये ऐसे आएगा, यानी 5 6 5 6 5 6। देखिए 5 और 6 5 6 5 6 5 6, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। अब इसको ज्वाइन करके फिर से बजाते हैं, 1 2 3। कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 काउंट ना बजाएं, इसको म्यूट कर दें ऐसे, जो 6 काउंट का स्पेस है उसको हम बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देंगे, बट जो 1 नंबर हम नेक्स्ट काउंट में शुरू करेंगे वो बिल्कुल एज इट इज शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। हम केवल 5 काउंट यूज करेंगे और 6 काउंट की केवल जगह छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इसको अब हम साथ में कॉर्ड पर बजा के देखते हैं, और इस कॉर्ड में हम यूज करेंगे, सबसे पहला कॉर्ड है ए माइनर, हमारा गिटार शायद डी पे ट्यून होगा, तो आप अगर साथ साथ बजाना चाहो तो अपना भी आप डी पे ट्यून कर सकते हो। तो ये कॉर्ड हुआ ए माइनर, ये हुआ ए शार्प मेजर मतलब बी फ्लैट, ये कॉर्ड हुआ हमारा सी मेजर, तो 1 2 3 वापस ए शार्प और 4। अब देखते हैं इसको,
ये था खेमटा का लेसन। तो ये जो खेमटा बीट है, इसके बहुत सारे और भी फैशन हैं जो कि हम अभी आपको बजा के दिखाएंगे, आप सुनिएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको ऐसे बताया है इसको, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक रोल लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा था, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 ये फिंगर्स जो है ऐसे आनी है, 1 2 3 4 यानी वन स्ट्रोक पर हमने ये लिया 1, टू स्ट्रोक पे 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी एक ही स्ट्रोक में हमें ये चारों फिंगर मारनी है, बट एक साथ नहीं मारनी है, 1 2 3 4 ऐसे मारनी, 1 2 3 4 ऐसे आनी चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 हम ये स्ट्रोक लेते थे, अब हम ये ले रहे हैं, ठीक है। अब जब हम ये रोलिंग कर लेंगे, 1 रोल, उसके बाद स्लैप देंगे और उसके बाद ये वायर ऊपर खींच देंगे, तो ये जो 2 नंबर स्ट्रोक है इसमें सिर्फ 2 काउंट नहीं कवर हुए, 2 से ज्यादा काउंट कवर हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4 नंबर यानी 1, और इस रोलिंग में हमने 2 काउंट यूज किए यानी 1 2 3, और 4 पे हमने ये स्लैप दिया और 5 6 ऊपर खींचा, केवल 5 खींचेंगे, 6 का स्पेस छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो ये कुछ ऐसे साउंड करेगा। सॉन्ग्स हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये लेसन आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं और भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, माय चैनल्स नेम इज सुपर भोकाल। थैंक यू।